इत्र का उपाय आपको धनवान बनाए। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसे वीडियोस मिलते हैं, ऐसे उपाय मिलते हैं जो करने में काफ़ी आसान होते हैं और जिनका आप यूज़ करके आप अपनी लाइफ में खुशहाली ला सकते हैं, अपनी लाइफ में सुख समृद्धि ला सकते हैं। ओम नमः शिवाय। अब मैं शुरू करने वाली हूँ आज का महा उपाय, आज का स्पेशल उपाय। आज का स्पेशल उपाय है इत्र से जुड़ा हुआ, जिसका यूज़ हम पूजा में करते हैं। अक्सर पूजा में इत्र का यूज़ किया जाता है। इत्र को जैसे फूलों का पहले रस निकाला जाता है, फिर उस फूलों के रस से फिर अर्क निकाला जाता है और फिर उस अर्क से इत्र को बनाया जाता है। इत्र से इतनी अच्छी खुशबू आती है कि आप जानते हैं, इत्र के हम सिंपल से उपाय से हम इतने ज़्यादा धनवान बन सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उपाय बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा उपाय है। सबसे पहले मैं आपको इस उपाय के बारे में बता दूं कि आपने इस उपाय को कब करना है। आप इस उपाय को सोमवार, शुक्रवार या फिर शनिवार को कर सकते हैं और तिथियों में आप इस उपाय को या तो पंचमी तिथि को, षष्ठी तिथि को, एकादश तिथि को, द्वादशी तिथि को, त्रयोदश तिथि को, चतुर्दशी तिथि को कर सकते हैं। अब ये तो हुई कि ये बात आपने ये उपाय कौन से वार को करना है और कौन सी तिथि को करना है। अब मैं बात करने वाली हूँ कि ये उपाय आप कहाँ पे कर सकते हैं। आप इस उपाय को अपने घर में भी कर सकते हैं अगर आपके घर में शिवलिंग है, क्योंकि ये उपाय भगवान शंकर से जुड़ा हुआ है, शिवलिंग से जुड़ा हुआ है। नहीं तो आप इस उपाय को शिवालय में जाकर यानी कि शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। उपाय को करना कैसा है, इसके लिए आपने सुबह के टाइम मंदिर जाना है। मंदिर में जाकर इसके लिए आपने जैसे कौन सा इत्र लेना है, आप इसके लिए चंदन का इत्र लें तो सबसे अच्छा है, लेकिन चंदन का इत्र कई बार नहीं मिल पाता तो आप उसकी जगह गुलाब का इत्र भी ले सकते हैं। जो सबसे अच्छा रिजल्ट है वो चंदन के इत्र का ही आता है, लेकिन अगर मतलब ये नहीं है कि गुलाब के इत्र का रिजल्ट नहीं आएगा, उसका भी रिजल्ट आएगा, लेकिन एक कहते हैं कि सबसे अच्छा इसके लिए चंदन का इत्र है, दूसरे नंबर पर गुलाब का इत्र है। अब मैं आपको बताती हूँ आपने शुरू कैसे करना है। जो आपको मैंने दिन बताए हैं या जो तिथि बताई है, उस दिन आप सुबह मंदिर में जाइए। ये उपाय आप सुबह के टाइम करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप इसको शाम के टाइम भी कर सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार आपको जो भी टाइम सही लगे आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपने शिव मंदिर में जाना है, वहाँ पर आपने शिवलिंग के पास जैसे बैठकर पहले आपने जैसे आप पूजा करते हैं पूजा कर लीजिए। उसके बाद आपने वो कॉटन लेनी है, छोटा सा एक कॉटन का, रुई का, कपास का एक टुकड़ा ले लीजिए, एक छोटा सा पीस ले लीजिए और उसको आपने जो इत्र लिया है वो थोड़ा सा इत्र उस रुई पे लगा दीजिए। इत्र रुई पे लगाने के बाद उस रुई को आप शिवलिंग पे छोड़ दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपने शिवलिंग के पास बैठकर ही ओम कामेश्वराय नमः मंत्र का एक माला जाप करना है। कामेश्वराय यानी कि जो आपकी सभी कामनाओं को पूरा करे, ऐसे भगवान शंकर। अगर आप इस मतलब इस मंत्र की एक माला जाप कर लेते हैं और जो आपको मैंने कहा है कि वो रुई वाला जो टुक रखना है आपने इत्र में डिप करके वो शिवलिंग पे, जब आपने एक माला का जाप कर लिया तो उसके बाद वो रुई जो आपने इत्र वाली शिवलिंग पे रखी थी उसको उठा के आप अपने घर ले आइए। अगर आप घर पे ही कर रहे हैं तो उसके बाद आपने वो रुई आप अपने पर्स में रख दीजिए या फिर आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। मेरा दावा है कि अगर आप इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपको खुद ही आपकी इनकम में, आपकी आय में, आपके इनकम सोर्स में आपको फर्क जल्दी ही महसूस होगा। उपाय बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, करके जरूर देखना। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये मेरे छोटे छोटे उपाय अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ओम नमः शिवाय।